हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं गीगर नंटन लॉ एंड अल्फा स्पेक्ट्रा के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गीगर नंटन लॉ। सबसे पहले जब अल्फा पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी तब, मैं फिर से बता रही हूँ, हमें तब अल्फा स्ट्रक्चर के बारे में या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। सो गीगर और नंटन ने ये लॉ दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। उन्होंने अल्फा स्पेक्ट्रा को स्टडी किया और कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट की और फिर उस बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल की रेंज होती है और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, दे बोथ आर रिलेटेड, और उनके बीच में एक रिलेशन दिया उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। इसी को ही हम कहते हैं गीगर नंटन लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन अल्फा पार्टिकल्स के बारे में नोट की थी, अल्फा मिशन के बारे में बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्फा पार्टिकल हैव एनर्जीज बिटवीन 4.06 टू 8.95 MeV। जितने भी अल्फा एलिमेंट्स की बात करो जो अल्फा डीके को सपोर्ट करते हैं, उनकी एनर्जी इस रेंज के बीच में लाई करती है, दैट इज 4.06 टू 8.95 MeV। सेकेंड थिंग इज द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट रेंज इज अबाउट 3.5। अब ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट रेंज क्या होती है? रेंज हमने कल के लेक्चर में पहले पढ़ी ली है। रेंज मीन्स द मैक्सिमम डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल कैन ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ऑब्वियसली जिस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी रेंज होगी। सो जितने भी अल्फा पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम रेंज वाले की जब रेशियो ली गई दैन इट विल कम्स अबाउट 3.5। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट टू लीस्ट एनर्जीज इज बिटवीन 2 to 2.5। मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी के बीच में इतना गैप है उनकी रेशियो के बीच में। और अगर उनकी हाफ लाइफ की बात करें, जो सबसे ज़्यादा जिसकी हाफ लाइफ होती है या सबसे ज़्यादा स्टेबल कह लो, दैट इज 1.39 × 10⁻¹⁰ ईयर्स, और जो सबसे कम है दैट इज 3 × 10⁻²⁻¹⁰ सेकेंड। दिस इज शॉर्टेस्ट लिव न्यूक्लियाई विच सपोर्ट सल्फर डीके। सो इतना ज़्यादा उसके बीच में वेरिएशन है। और अगर आप डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की नेक्स्ट बात करें, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा, इसकी वैल्यू आपको याद होगी 0.693/T½ कहते हैं, या फिर ये वो टाइम का इन्वर्स, उतना टाइम का इन्वर्स है जितने में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है दैट विल रिमेन 1/E ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये चीज़ हम इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो योर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा वेरीज फ्रॉम 1.58 × 10⁻¹⁸ पर सेकेंड टू 2.31 × 10⁻¹⁶ फॉर शॉर्टेस्ट लिव्ड न्यूक्लाई। इससे जस्टिफाई है कि लैम्डा क्या होता है, 0.693/T½। सो जितना ज़्यादा हाफ लाइफ होगा उतना ही ज़्यादा पार्टिकल स्टेबल होगा और उतनी ही कम उसकी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। और ये इसके रेंज बताई गई है जो लॉन्गेस्ट लिव न्यूक्लियाई हैं। अब नेक्स्ट थिंग ये ध्यान देना, ये उनकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी कि जो लॉन्गेस्ट लिव न्यूक्लियाई है वो लीस्ट एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है और जो शॉर्टेस्ट लिव्ड है वो मोस्ट एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। अब इसका क्या मतलब है? लॉन्गेस्ट लिव्ड होगा तो दैट मीन्स उसका हाफ लाइफ ज़्यादा है और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कम है, और इसके साथ साथ ही उसकी जो एनर्जी है वो कम है। दैट मीन्स डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड एनर्जी दे बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितनी ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा उतनी ही कम हाफ लाइफ होगी और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। सो उन्होंने इसके बेसिस पे एम्पेरिकल फैक्ट कोरिलेट किया और एक रूल दे दिया जिसको कहते हैं गीगर नंटन लॉ। अब ये एम्पेरिकल रिलेशंस क्या होते हैं? एम्पेरिकल रिलेशन मीन्स आपको उसकी कोई थ्योरी नहीं पता कि वो किस तरह है। उन्होंने सिर्फ ये देख बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एमिटर को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा थी वो जो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है उनकी एनर्जी कम होती है, और जो जिनके हाफ लाइफ कम थी वो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है। सो इस बेसिस पे उन्होंने खुद से एक रिलेशन बना दिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको इस तरह देखना चाहें एम्पेरिकल थिंग को, सपोज कीजिए ये आपके पास एक्सिस है, आपके पास ये कुछ पॉइंट्स के हुए। सो आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हो ना, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, और इसके लिए खुद से एक इक्वेशन लिख सकते हो, y = ax + b इस तरह से।
तो ये एक इम्पेरिकल रिलेशन होता है कि उसके बिहेवियर को देखना, गवार खाना कि किस तरह से होता है। उसी तरह गीगर और नटल ने एक्सपेरिमेंटल पे स्टडी की और एक रूल दे दिया जिसको कहते हैं गीगर नटल रूल। एक्चुअली है क्या ये, सीरियस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लैम्डा ऑफ एन अल्फा मीटर एंड इट्स रेंज आर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड गीगर नटल लॉ। डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और रेंज के बीच में एक रिलेशन है जिसे हम कहते हैं गीगर नटल लॉ। रेंज फिर से मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अल्फा पार्टिकल बिफोर स्टॉपिंग, और अगर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। सीधा सा मतलब है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर पाएगा। ओके, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने अगर लॉगरिथम ऑफ डिसइंटीग्रेशन को जब प्लॉट किया अगेंस्ट द लॉगरिथम ऑफ रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो उन्होंने देखा कि वो अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं सेम रेडियोएक्टिव सीरीज वाले। ओके, अब यहाँ डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और एनर्जी के बीच में रेंज के बीच में लिंक आप बताइए कि अगर आप देखना चाहें डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और रेंज के बीच में उन्होंने लिंक बताया था। सी दिस नेक्स्ट स्लाइड, एक्चुअली दिस रिलेशन वाज गिवन बाय 1910 बाय हीगल। उसने डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लिया अल्फा पार्टिकल का और इसके रेंज के बीच में रिलेशन बताया था लॉग लैम्डा इज इक्वल्स टू ए टाइम्स लॉग आर प्लस बी। दैट मीन्स जितना ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रेंज होगी। कैसे, जितना ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होगा मतलब उतनी ही कम उसकी हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ कम होने का क्या मतलब है, वो ज़्यादा एनर्जी के पार्टिकल एमिट कर रहा है, ज़्यादा एनर्जी के पार्टिकल एमिट कर रहे हैं मतलब रेंज ज़्यादा है। और आपस में क्या रिलेशन है कि अगर दोनों को लॉगरिथम के ग्राफ में प्लॉट किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, एक कांस्टेंट है जिसको स्लोप कहते हैं और बी जो है इंटरसेप्ट है। और ध्यान रखना ये जो कांस्टेंट ए है इसकी वैल्यू फॉर अ गिवन सीरीज ऑफ एलिमेंट इसके लिए सेम रहती है, और तीनों सीरीज के लिए इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, और बी इंटरसेप्ट की वैल्यू डिफर कर जाती है। ये ग्राफ देखो ज़रा, यहाँ देखो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। दिस इज बिटवीन लॉग लैम्डा एंड लॉग आर, डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और रेंज के बीच में ये तीन सीरीज दिखाई है या नेपच्यूनियम सीरीज नहीं दिखाई क्योंकि वो मैन मेड सीरीज है, उसके पार्टिकल इस टाइम यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो सब टिके हो चुके हैं। ओके, तो ये चीज़ उन जो सीरीज आई थी वो बाद में आई थी और ये लॉ बना था ये पहले बना था। सो यहाँ से देखिए ये तीनों जो हैं ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, यूरेनियम सीरीज, सीरीज यूरेनियम सीरीज, थोरियम सीरीज एंड एक्टिनियम सीरीज, तीनों ऑलमोस्ट अगर लॉग लॉग लैम्डा और लॉग आर को प्लॉट किया जाए तीनों ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। और स्लोप भी यहाँ से देखो तीनों का ऑलमोस्ट सेम सा, एक ही स्लोप है बट इंटरसेप्ट अलग आ जाएगा तीनों का। सो तीनों के केसेस में एक ही वैल्यू जो स्लोप है ऑलमोस्ट सेम रहती है तीनों सीरीज में, वर्टिफर इज बी। तो उन्होंने पहले ये सीरीज को इसी तरह प्लॉट किया और देखा कि ये तीनों का जब स्लोप सेम है दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन लॉग लैम्डा एंड लॉग आर फॉर ऑल द अल्फा मीटर। सो एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए ना रह के उन्होंने इसे जनरलाइज कर दिया था। सो लेट्स कम बैक, हम यहाँ पे थे। सो लास्ट लेक्चर में हमने का ये चीज़ पढ़ी थी कि इक्वेशन वन से पता चलता है कि लॉग लैम्डा और लॉग आर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। एंड वन थिंग, जितना ज़्यादा आपका लैम्डा होगा उतनी ही ज़्यादा रेंज होगी, और जो रेंज है वो वेलोसिटी के क्यूब से रिलेटेड है। हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि जो मोस्टली शॉर्ट लिव न्यूक्लियाई होते हैं उसके लिए वी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, और लॉन्ग लिव के लिए वी रेज टू पावर फोर के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए वी क्यूब और लॉन्ग के लिए वी की पावर फोर। बट मोस्ट ऑफ द केसेज में हम इसको वी क्यूब के इक्वल ले सकते हैं। सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ से कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं आर इज इक्वल्स टू ए टाइम्स बी क्यूब, नेक्स्ट आर की वैल्यू अब यहाँ पे इज अ कॉन्स्टेंट विच है वैल्यू 9.6 इंटरेस्ट पर -24। नाउ सिंस द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन एज ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेटली वी की वैल्यू 2e/m 1/2। और रेंज में अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे यू विल गेट द रिलेशन आर इज डायरेक्टली इक्वल टू ई इज टू पावर 3/2। सो ये रिलेशन होता है रेंज और एनर्जी के बीच में।
और फर्दर अगर आप दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे देन लॉग आर इज प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ पी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब आप हटाएंगे देन लैम्डा इज लॉग आर लॉग ई के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ देखो लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ए लॉग आर प्लस बी, सो लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ए लॉग आर प्लस बी, तो लॉग आर और लॉग ई दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो लॉग आर की जगह अगर हम लोग ई रख देंगे देन लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ए डैश लॉग ई प्लस बी डैश। ए डैश और बी डैश यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ए डैश स्लोप ऑफ लाइन है जो कि सेम है तीनों नेचुरल लॉगरिथमिक सीरीज के लिए, और इसको हम उन्होंने जो कांस्टेंट थे इनको न्यू कांस्टेंट डिफाइन किया, और इसको हम गीगर नटल कांस्टेंट कहते हैं। सो गीगर नटल लॉस चाहे तो आप लोग लैम्डा और लॉग आर के फॉर्म में लिख लो, जो कि पहले बेसिक था और फिर बाद में इसको रिलेट किया गया लॉग लैम्डा और लॉग ई की फॉर्म में। नाउ व्हाट इज द यूज, ये जो उन्होंने एम्पिरिकल रिलेशन दिया इसका क्या यूज था या इसका क्या पर्पस था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिलेशन था ये एक एम्पिरिकल फार्मूला था जिसे हम गीगर नटल लॉ कहते हैं, इससे हम डीके कांस्टेंट निकाल सकते हैं बोहर रेडियोएक्टिव एलिमेंट का। मैं फिर से कह रही हूँ, जब ये उन्होंने लॉ दिया था तो उन्हें बहुत कम एलिमेंट्स के बारे में पता था, ज़्यादा नहीं पता था। तो एक्सपेरिमेंटली अगर कोई भी नया रेडियोएक्टिव एलिमेंट आता है और हमें उसकी सीरीज के बारे में पता है देन व्हाट वी कैन डू इज की सीरीज में उसकी पोजीशन उसकी रेंज एक्सपेरिमेंटली मेजर करें, तो हम लॉग लैम्डा को इजीली निकाल सकते हैं। और एक बार डिसइंटीग्रेशन आ कॉन्स्टेंट आ गया तो उसकी हाफ लाइफ के बारे में और भी रेंज के बारे में रेंज आप एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ गया, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उसके बारे में पता चल जाती है। और हमें एक्चुअली में वो एक्सपेरिमेंट जो काफ़ी मुश्किल होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की हाफ लाइफ अगर 1590 ईयर्स है, ये तो वैसे मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, सपोज कीजिए किसी की 100 ईयर्स है, तो 100 ईयर तक वेट करने का टाइम किसी के पास नहीं होता हाफ लाइफ डिटरमाइन करने के लिए। सो बेसिकली आप रेंज डिटरमाइन बहुत इजीली कर सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक जाता है, तो टाइम बच रहा है आपके पास। और अगर किसी की सपोज कीजिए यहाँ से आप जस्ट प्लॉट करके बता सकते हैं डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, वहाँ से हाफ लाइफ निकल गई, तो आपको 100 ईयर्स तक वेट नहीं करना पड़ा ना। 100 ईयर भी कह लो या किसी की माइक्रो सेकेंड है, तब भी नहीं आप बता सकते हैं कि अगर बहुत कम या बहुत ज़्यादा। तो एक एक्सपेरिमेंट को होने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए क्यों फ्यू नैनो सेकेंड का टाइम तो नहीं लगता ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो ये रिकॉर्डिंग इसने ये बहुत इजी कर दिया था डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट निकालना। ओके सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गीगर नटल रूल, कि हम ये रूल पढ़ ही क्यों रहे हैं। नेक्स्ट इज योर अल्फा स्पेक्ट्रा, या जिससे आप कह सकते हैं फाइन स्ट्रक्चर इन अल्फा स्पेक्ट्रम। अब ये है क्या, सबसे पहले ये देखिए कि जो अल्फा डिके है उसे कंसीडर किया जाता था दैट दिस इज मोनो एनर्जेटिक। मोनो एनर्जेटिक दैट मीन जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से, जैसे यूरेनियम की बात करते हैं या रेडियम की बात करते हैं, पहले माना जाता था जो एक्सपेरिमेंट हुए थे कि वो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के, थोड़ा बहुत जो वेरिएशन होता था वो कह देते थे कि आइसोटोप इफेक्ट है, या फिर वो जैसे मान लीजिए कि कोई एटम है वो टॉप लेयर से निकला और कोई इनर लेयर से निकला अल्फा पार्टिकल, इनर लेयर में एटम प्रेजेंट था वो डिसइंटीग्रेट हुआ और वो निकला, तो वो कुछ एनर्जी अपनी उसी रेडियम या यूरेनियम के अंदर इंटरेक्शन करके लूज कर रहा। सो जो एक्सपेरिमेंट किए थे 1900 में रदरफोर्ड ने, रॉयड ने और गीगर ने, तो उन्होंने ये फैक्ट एस्टेब्लिश किए थे कि ये जो अल्फा पार्टिकल है मोनो एनर्जेटिक होते हैं और आयनाइज हीलियम एटम है। उन्होंने ये बताया था ये अल्फा पार्टिकल पे +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और +4 यूनिट इस पे इसका मास होता है। उन्होंने इसका चार्ज Ze/m एक्सपेरिमेंटली मेजर किया। सो इट वाज अज्यूम दैट दे आर मोनो एनर्जेटिक, दैट मीन्स ट्रांजिशन जब होगा तो वो हायर स्टेट से न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट के में आएगा। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आई, क्लाउड चैम्बर बने, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रोमीटर आए, उसके साथ साथ हमें पता चला कि ये जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं ये एक सिंगल एनर्जी का ना होकर दे कंटेन्स अ बंच ऑफ एनर्जी या फिर ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी। ध्यान देना एनर्जी स्टिल डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं है, और ये एनर्जी आपस में इतनी पास पास होती है कि अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट
हाइप सेशन का नहीं है तो आप उसके बीच में डिफरेंस ही नहीं बता सकते। जैसे कि पहले जैसे टेक्नोलॉजी है उसने कहा कि इस मोनोलॉजिटिक ना होके डिस्क्रीट एनर्जी है, ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी, एंड दिस ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी इज नोन एज अल्फा स्पेक्ट्रम या फाइन स्ट्रक्चर इन अल्फा स्पेक्ट्रम। नाउ सी दिस, आपके सामने ये शो किया गया है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा स्पेक्ट्रम फॉर थोरियम सी टू थोरियम सी डबल डैश। ट्रांजिशन दे रखी है थोरियम सी से थोरियम सी डबल डैश के केस में। यहाँ पे थोरियम सी बिस्मिथ को लिया गया 212 जो कि कन्वर्ट हो रहा है Ti-208। अब यहाँ देखिए हम मानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट जो है दैट इज फिक्स सी है, इसको एनर्जी 6.2 है मेरी। सो मैक्सिमम जो एनर्जी निकलेगी ग्राउंड स्टेट है ये थेलियम की Ti-208 की, जब यहाँ ट्रांजिशन हुआ मैक्सिमम एनर्जी निकल लेगी दैट इज 6.197 MeV, और ये 27% अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम एनर्जी के निकलते हैं। बट जो 10% अल्फा पार्टिकल है वो इसके ग्राउंड स्टेट में थेलियम के ना जाके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, ओके। और वो एक्साइटेड स्टेट में जो जा रहे हैं दैट इज दैट मतलब जो 10% अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं उनकी एनर्जी है 6.169 MeV। फर्दर और कम अल्फा पार्टिकल निकलते हैं उनकी एनर्जी है 5.871 MeV। फर्दर अगर और बात करो कुछ पार्टिकल निकलते हैं 5.727 MeV और कुछ पार्टिकल निकलते हैं 5.707 MeV, ओके। सो देखिए एक सिंगल अल्फा पार्टिकल ना निकल के सिंगल एनर्जी के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। दैट मीन्स इसको अगर आप ट्रांजिशन के केस में देखना चाहें कि अपर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन तो हो रही है बट लोअर ये जो एटम है थेलियम इसके ग्राउंड स्टेट में ना जाके इसके एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन हो रही है यहाँ। और फाइनली किसी भी एटम की या किसी भी न्यूक्लियस की प्रॉबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी अटेन करना। सो वो फर्दर ट्रांजिशन शो करेगा फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू लोअर स्टेट। और फर्दर जो रेडिएशन एमिट होंगी दैट आर गामा रेज, गामा रेज एमिट होती हैं। और ट्रांजिशन देख लो इनके बीच में एनर्जी क्या है, ये ग्राउंड सारी अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट में आएंगे और जो गामा ट्रांजिशन रेज निकलती हैं वो एनर्जी की निकलती है 0.49.47। और ये जो गामा ट्रांजिशन निकल रही है, पहले कहा जाता था कि जब अल्फा के बाद गामा निकलती है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है बहुत बार और उसके बाद कुछ गामा रेज निकलती है। तो इस थ्योरी ने या इस अल्फा स्पेक्ट्रा ने ये जस्टिफाई किया कि ये ट्रांजिशन इसलिए निकलती हैं क्योंकि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और ये ट्रांजिशन जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग थी वो मैच कर गई थी एक्सपेरिमेंटल ट्रांजिशन से। अब देखिए इसके क्या एडवांटेज थे ये अल्फा स्पेक्ट्रा के। सबसे पहले तो इसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक्साइटेड स्टेट है, मतलब अगर कोई जिस तरह एटम्स में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट होती है उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर एक्साइटेड स्टेट है और डिस्क्रीट एक्साइटेड स्टेट है, मीन्स वो कोई भी एनर्जी नहीं ले सकती, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी ही होती है। सेकेंड इज की एनर्जी ऑफ गामा रेज एमिटेड आफ्टर अल्फा एमिशन कोइंसाइड्स विद द गामा पार्टिकल फाइन स्ट्रक्चर, उसके फाइन स्ट्रक्चर से रिजेंबल कर रहा है। या ये मैथड इसने एक और मैथड प्रोवाइड करा था कि वो एनर्जी मेजर करने का, डिस्क्रीट एनर्जी मेजर करने का। इससे पहले हमारे पास कोई मीन्स नहीं था कि हम न्यूक्लियर की एनर्जी या एक्साइटेड स्टेट्स के बारे में बता सकें, तो ये एक मैथड मिल गया कि जिससे हमें पता चल सकता है कि न्यूक्लियर की कौन कौन सी पॉसिबल, न्यूक्लियस की कौन कौन सी पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट हो सकती हैं। और ये मेथड क्वाइट ईजी है क्योंकि हमें सिंपली अल्फा पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है, उससे हमें इन्फॉर्मेशन और फर्दर जो गामा ट्रांजिशन होंगी उसको सिंपली ऐड अप करके देखना और पता चल जाएगा कि जो न्यूक्लियस है उसकी कौन कौन सी डिस्क्रीट एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट करती है। सो ओके स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे। अल्फा स्पेक्ट्रा के बारे में आज हमने पढ़ा है और गीगर नटल लॉ और इनकी इम्पोर्टेंस, ओके। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। So that's it students, I hope आपको समझ आ गया।